सदर तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा का सदर तहसीलदार विकास कुमार सिंह के नेतृत्व में सदर तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा कि गोरखपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से वह अभिभूत हैं। सदर तहसील के सबसे लंबे समय तक एसडीएम सदर के पद पर रहने वाले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुलदीप मीणा 12 फरवरी 2021 को पदभार ग्रहण कर अपने 22 महीने के कार्यकाल में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने सदर तहसील के अंतर्गत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का कार्य किया। प्रदेश सरकार ने 27 नवंबर 2022 को बुलंदशहर का सीडीओ बनाया है। विदाई समारोह में एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम गुप्ता, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम बासगांव नेहा बंधु, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शाश्वत त्रिपुरारी, एसडीएम सहजनवा सुरेश राय, एसडीएम चौरी चौरा शिवम सिंह, एसडीएम कैंपियरगंज पंकज दीक्षित, एसडीएम गोला रोहित मौर्य, एसडीएम खजनी सिद्धार्थ पाठक, अपर एसडीएम सदर पवन कुमार, सदर तहसीलदार विकास सिंह, नायब तहसीलदार वशिष्ठ वर्मा, नायब तहसीलदार विकास कुमार, उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्र सहित जनपद के समस्त तहसील के तहसीलदार, सदर तहसील परिसर के समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निवर्तमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा, हमारे बीच के ही हैं और अगर हम कोई बात इनसे कहेंगे, कोई अनुरोध करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोगों पर कृपा करेंगे, हम लोगों की बात सुनेंगे। तो गोरखपुर का ये सौभाग्य और जिन लोगों, जैसे अभी तक हम लोगों ने, हालांकि मुझे ये बात पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हर अधिकारी का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। यहाँ हम लोगों ने सर ने भी अभी तक 3 जिलाधिकारी महोदयों को देखा, तीनों लोगों का व्यक्तित्व अलग अलग था। पांडियन साहब का, विजय सर का, प्रजेंट सर का, सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। हमें सीखने का मौका मिलता है कि एक्चुअल में कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे पब्लिक को फेस करना चाहिए। यहाँ जो सीडीओ साहबान भी रहे, अभी आप पिछले 3-4 लोगों में से जिनका भी नाम लेंगे और देखेंगे, बहुत ही अच्छे अफसर रहे। मैं अभी बीच में गया था इंद्रजीत सर से लखनऊ में, मैं मिला, एकदम से लगा कि जैसे कोई हमारा बिछड़ा भाई मिल गया हो। और उन्होंने भी सबको निकाल करके हमें आधे पौन घंटे का समय दिया, तो इतना अच्छा लगता है कि हमारे जनपद में जो पोस्टेड रहा कहीं पर और है, तो जाने पे बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको भी, अभी आपकी कमी है या आपकी सहृदयता अभी आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन जब आप जा करके वहाँ मिलेंगे, एकदम से चेहरा खिल जाता है। आप किसी पे नज़र दौड़ाइएगा, आपको लगेगा कि यहाँ सभी अधिकारी इनर्जेटिक है और अच्छा आउटपुट भी दे रहा है, बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा है। कहीं पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को लेकर के कोई, ये तो हमारी नौकरी का पार्ट है, लेकिन जो आम लोग हैं या जो गोरखपुर के लोग हैं, आप में से जो हमारे राजस्व, भाग्य की बात है कि यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे आए। और सामान्य तौर पे किसी भी व्यक्ति की मुंह पे बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन सब लोग इस तरह से साइन आगे मत कीजिएगा, इसलिए कि आपके साइन का, अच्छा नमस्कार, आपके साइन का बड़ा महत्व है। और नॉर्मली जब आपका साइन हो जाता है रखते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय राजेश सिंह साहब ने एक अनुज आपको मान के इतना अच्छा सुझाव दिया है, तो निश्चित तौर पे ये लोग प्रशासनिक लोग हैं, ऐसे ही बड़ों से सीख के एक दिन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। और संयोग अच्छा है कि राजेश सिंह साहब का संबोधन आपको मिला, आपके लिए बहुत उपयोगी। बुके आ गया हुआ है और स्वागत कोई बुके के बिना अधूरा होता है, तो हमारे बीच सर्वप्रथम हम स्वागत करने, सदर तहसील परिवार आपको सम्मानित करके गर्व महसूस कर रहा है। श्रीमान जी, फूलों की तरह आप सदा प्रसन्न चित रहें, यही शुभकामना हमारी है। न्यायिक सुनीता गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आपको पुष्प गुच्छ दे के सम्मानित करें। बहुत अच्छा, हमारे राजेश सिंह साहब का मार्गदर्शन। उसमें कुछ उर्दू के लफ्ज है, उसको मैं हिंदी बताता जाऊंगा।
मेरे मोनिस, मोनिस कहते हैं सरपरस्त को जिसका हाथ सर पे, मेरे मोनिस मेरे लम्हा तुझे क्या मालूम। सर यहाँ पे एक लफ्ज है तुझे, उसको अन्यथा ना लीजिएगा क्योंकि शायरी में कुछ लफ्ज बैठाने पड़ते हैं, आप यहाँ पे बैठता नहीं। मेरे मोनिस मेरे गमखार तुझे क्या मालूम, याद करता हूँ मैं सौ बार तुझे क्या मालूम। पता भी नहीं चला, आप लोग कहते हैं हमने काफी साथ में काम कर लिया, काफी कुछ अचीवमेंट रहा गोरखपुर के लिए, अच्छा रहा। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पे मेरी खुश नसीबी थी कि यहाँ पे टीम बहुत अच्छी है सदर में। मुझे आप देखेंगे एक एक लेखपाल, मुझे गर्व होता है कि इस तरीके के लोग यहाँ पे हैं। एक एक अमीन, 24 अमीन की टीम, एक बार अगर हमने कह दिया कि ये करके आना है तो कभी वापस आए ही नहीं, बस हो गया। मेरे साथ यहाँ पे 5 तहसीलदार रहे, उन्होंने काम किया, वर्तमान तहसीलदार विकास, इन्हें कुछ बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप इन्हें अपना काम मालूम रहता है, अपने आप ये लगे रहते हैं शांत स्वभाव के, ज्यादा बोलते नहीं है, बट मुझे काफी कंफर्ट रहा इनसे। इन्हीं के साथ ब्रजमोहन जी, मेरे इससे पिछले वाले तहसीलदार आज आए हैं, खुशकिस्मत हूँ मेरे लास्ट 2 तहसीलदार यहाँ पे हैं। ये इतने एक्टिव थे, कभी भी कुछ भी हम लोगों को एनफोर्समेंट एक्टिविटीज करानी रहती थी, अपने आप जाके अपने बल पे करा लेते थे। यहाँ पे एक और मुझे हेल्प जो मिली है कि साथ में हमेशा 1 या 2 SDMs और रहते थे जो कि साथ में काम करने के लिए काफी हेल्पफुल रहते थे। मौर्य साहब जी, आप श्रीमान जी को SDM सिद्धार्थ पाठक साहब जी। हमारे मीणा साहब को एहसान हो रहा है, देखिए मेरे ताली के भाव बता रहे हैं कि हम कितने। SDM अनुपम मिश्रा जी, तहसीलदार ब्रिज मोहन शुक्ल जी, तहसीलदार केशव प्रसाद, नायब तहसीलदार विकास कुमार जी, तन्मयता से एकाग्रता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने, एक एक शब्द श्रीमान जी की इच्छा थी कि प्रभावशाली होने चाहिए, मेरे साहब साहित्य नजर आ रहे थे। राजस्व निरीक्षक रामाश्रय जी, राजस्व निरीक्षक बड़ी आत्मीयता से सहेज के बैठे हुए थे, बहुत आत्मीयता से सम्मान होता। अच्छा, अंगद के रूप में आप लोग जो सहयोग किए, मैं मिस कर गया, अगर तहसील किसी ने चलाई है, रजिस्ट्रार का पटल 2.5 साल में तो राजू सिंह ने ही चलाया। मुझे एक चीज के लिए भी सोचना नहीं पड़ा, इलेक्शंस हो या इनको मैंने इतना लोडेड कर रखा है, सबसे ज्यादा काम अगर किसी के पास आज की तारीख में होगा तो इन्हीं के पास होगा ऑफिस के अंदर, और पूरा कलेक्ट्रेट से कोऑर्डिनेट करना, तहसील के अंदर रजिस्ट्रार पटल चलाना, लेखपाल से कोऑर्डिनेट करना, अधिष्ठान पटल चलाना, सब कुछ इन्होंने किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने 2.5 साल जो मेरी जिंदगी आसान करी है उसके लिए। बॉस देश पंकज जी, लेखपाल तहसील मंत्री भाई जा योगेंद्र चौबे जी, जैसा कि अभी सर ने कहा है, चौबे जी पूरा करने के लिए आतुर हो जाया करते थे, बहुत अच्छी जोड़ी है साहब का, उनसे अनुरोध है कि अच्छा मेरा सबसे एजुकेटेड स्टाफ मेंबर। अब वो पढ़कर सम्मानित करें।
और अंत में सदर आइए भी ना भैया और भी कोई हो तो आके श्रीमान जी का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। श्रीमान जी बड़े उदार जी भैया नमस्कार नमस्ते राकेश जी हो गया हो गया। गोरखपुर में मेरा बहुत बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही मेमोरेबल अनुभव रहा है। पिछले 2.5 साल में काफ़ी सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कराने का मुझे मौका मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे मेरी तहसील, दोनों तहसीलों की बहुत ही वंडरफुल टीम ने मेरे साथ सहयोग किया और हम लोगों ने सभी कुछ सारे प्रोजेक्ट सारी बाधाएं मिलके यहाँ पे तय करी। काफ़ी खुश हूँ मैं, काफ़ी अच्छा कार्यकाल। जनता और अधिकारी और कर्मचारियों से कितना सहयोग मिला? मुझे यहाँ पे जनता, अधिकारियों, विभिन्न विभाग और जैसे केंद्र सरकार में हुए, रेलवे हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, GRDE यहाँ पे है, या फिर स्टेट के PWD हो गए, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, नगर निगम, GDA, सभी से कोऑर्डिनेशन में कभी कोई कमी नहीं आई। हमेशा इन सभी लोगों का सहयोग रहा। मेरे रेवेन्यू टीम के अलावा मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम थी जो दूसरे विभागों की थी, जिन्होंने हमेशा मेरे लिए काम किया और हमने सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके अच्छे से कंप्लीट किए। सर आज आपको CDO बनाया गया है। CDO का ऑर्डर 26 तारीख को आया था। काफ़ी अच्छी खुशी हो रही है। कुछ ही दिनों में यहाँ से रिलीव होके बुलंदशहर ज्वाइन करूँगा।